हेलो फ्रेंड्स, पिंकी और सिद्धार्थ की शादी तो हो चुकी है और पिंकी की विदाई भी हो गई है। तो चलिए देखते हैं आगे पिंकी की गृह प्रवेश कैसी होती है। और यहाँ पर काजल ने गृह प्रवेश की सारी तैयारियाँ कर ली है। सारा घर बड़े अच्छे से सजाया हुआ है और सभी लोग पिंकी और सिद्धार्थ के स्वागत के लिए द्वार पर खड़े हुए हैं और दोनों का घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अरे काजल दीदी, वो देखो सिद्धार्थ और पिंकी आ रहे हैं। चलो दीदी, अच्छा है हमने टाइम से गृह प्रवेश की सारे रस्मों की तैयारियां कर ली है। अरे काजल दीदी, आपने आरती की थाल तो तैयार रखी है ना? पिंकी की डोली से उतरते ही आप आरती करना शुरू कर देना दीदी। और हाँ काजल दीदी, आपने कलश भी तैयार कर रख दिया है ना? हाँ काकी, मम्मी ने छारी तैयारियाँ कर ली है। ये चाची आ गई, चाची आ गई, मैं जा रही हूँ चाची से मिलने। अरे शिल्पा शमिता, लगता है सिद्धार्थ और पिंकी आ गए। चलो चलो जल्दी से उनकी आरती उतारते हैं। कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी आओ। और हाँ, साथ में कलश भी लेते आना। अरे भाभी, मैंने कलश तो तैयार कर रखा था, क्या पता कहाँ रख दिया, याद ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ याद आया, मैंने तो रसोई घर में रख दिया था कलश, जाकर अभी लेकर आती हूँ। तब तक आप जाइए काजल दीदी, पिंकी को डोली से उतारिए, मैं अभी लेकर आती हूँ कलश, आप जाइए जल्दी। अरे काजल, तुमने तो दुल्हनिया बड़ी सुंदर लाई है। और हाँ काजल बिटिया, दुल्हनिया तो सुंदर के साथ ही बहुत गुनी दिखती है। चलो ठीक है। ये चाची और चाचा आ गए, चाची और चाचा आ गए, मम्मी जल्दी बाहर आओ, चाची और चाचा आ गए हैं। और यहाँ पर पिंकी और सिद्धार्थ दोनों घर पहुँच चुके हैं। पिंकी डोली में बैठकर बहुत अच्छी दिख रही है और सिद्धार्थ भी घोड़े पर बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए पिंकी जी, हम आ गए, आप बहुत थक गई होंगी। अरे नहीं सिद्धार्थ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बैठकर ही तो आई हूँ। चलिए पिंकी जी, हमारा घर बहुत सुंदर है, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। और यहाँ पर आरती की थाल लेकर पिंकी के स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं। चलो पिंकी, तुम्हारा स्वागत है ससुराल में। अरे सिद्धार्थ, तुम तो अभी घोड़े पर ही बैठे हो, घोड़े के साथ घर में जाओगे क्या? अरे भाभी, मैं उतर ही रहा था, क्यों टांग खींच रही हो मेरी? चलो मैं जल्दी से उतर जाता हूँ, वरना पिंकी जी के सामने भाभी मेरी और मजाक उड़ाएंगी। तुम जाओ घोड़े। चलो समीता, जल्दी से पिंकी को डोली में से निकाल दो, फिर मैं पिंकी और सिद्धार्थ की आरती उतारूंगी। ठीक है काजल भाभी, मैं अभी निकालती हूँ पिंकी को डोली में से। हाँ पिंकी जी, चलिए अब डोली के अंदर से बाहर आ जाइए। दीजिए अपना हाथ मुझे, मैं आपको बाहर निकाल देता हूँ। हाँ दुल्हन जी, अब ये आपका घर है, आप शर्माइए नहीं। चलिए जल्दी से बाहर आ जाइए डोली के अंदर से। चलिए मैं आपको जल्दी से डोली के अंदर से निकाल देती हूँ। और यहाँ पर पिंकी डोली के अंदर से निकलकर बाहर आने लगती है। अब यहाँ पर पिंकी और सिद्धार्थ की आरती होने जा रही है। हाँ सिद्धार्थ जी, सच में आपका घर बहुत। चलो पिंकी, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत नए घर में। चलो आरती तो हो गई है पिंकी और सिद्धार्थ की, अब जल्दी से कलश लेकर आ जाओ। चलो पिंकी, अब जल्दी से तुम दाहिने पैर से कलश को नीचे गिराकर अंदर आ जाओ। चलो पिंकी, इसके बाद और भी बहुत सारी रस्म करनी है तुम्हें। चलो आज से ये घर तुम्हारा भी हो जाएगा, जितना हक इस घर में सिद्धार्थ का है उतना अब तुम्हारा भी रहेगा और तुम भी इस घर का हिस्सा बन चुकी हो अब। चलो चलो अब जल्दी से अरे सिद्धार्थ, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तुम्हें तो इतनी सुंदर दुल्हन मिल गई, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। अरे क्या भाभी, आप सबको तो मेरा टांग खींचने का बस मौका ही चाहिए होता है। चलो अब मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ। हाँ सिद्धार्थ जाइए। अब यहाँ पर पिंकी और सिद्धार्थ की अंगूठी ढूंढने की रस्म होने जा रही है।
चलो पिंकी और सिद्धार्थ जल्दी से अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। जिसे अंगूठी मिलेगी वो जीत जाएगा। चलो सिद्धार्थ तुम ही अंगूठी के रस्म में जीतना, नहीं तो कहते हैं पत्नी का गुलाम बनकर रहना पड़ता है। चलो तुम ही जीतना। नहीं मम्मी, अंगूठी के लक्ष्य में देखना, चाची ही जीतेंगी। चलिए चाची ढूंढिए, आप ही जीतोगी। अरे नहीं स्वीटी, देखना सिद्धार्थ ही जीतेगा। चलो सिद्धार्थ, काजल की बात तो याद है ना? अरे चलो जल्दी से अंगूठी ढूंढो। मैं तो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कौन जीतता है। ए पिंकी और सिद्धार्थ जल्दी शुरू करो। चलो दोनों अब ध्यान से ढूंढना अंगूठी। अरे दुल्हनिया ध्यान से ढूंढो अंगूठी, तुम ही जीतना। चलो मैं तुम्हारे ही तरफ से हूँ, अब पहले ही हार मान जाइए क्योंकि मैं ही जीतने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं पिंकी जी, देखना मैं ही जीतूंगा अंगूठी की रस्म। मुझे नहीं बनना है आपका जिंदगी भर के लिए गुलाम। चलो किसी भी हाल में मैं ही जीतूंगा अंगूठी की रस्म। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं अंगूठी ढूंढना। हाँ सिद्धार्थ जी चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे पिंकी जी देखना, जीतूंगा तो मैं ही। अरे नहीं नहीं सिद्धार्थ, देखना मैं ही जीतने वाली हूँ अंगूठी की रस्म। अरे ये क्या है? अरे मुझे मिल गई अंगूठी। देखा ना सिद्धार्थ जी, मैं कह रही थी ना मैं ही जीतूंगी, तो मुझे मिल गई अंगूठी। अरे हाँ पिंकी जी। अरे क्या देवर जी, आपने ये क्या कर दिया, आप तो हार गए। अब दूसरे चांस में मन लगा कर ढूंढिएगा, बिल्कुल भी मत हारना। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, इस बार तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं ही जीतूंगा, आप सिर्फ बैठकर देखती जाओ। अरे नहीं सिद्धार्थ जी, इस बार भी मैं ही जीतूंगी। अरे मुझे मिल गई अंगूठी इस बार भी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या देवर जी, आपने तो मेरी नाक ही कटा दी, जानबूझकर हार गए ना पिंकी से। अरे नहीं भाभी ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलो पिंकी अब मैं तुम्हें कमरे में बैठा देती हूँ, तुम बहुत थक गई होगी, तुम चलकर थोड़ा कमरे में आराम कर लो। मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ खाने के लिए। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक आवाज देना, शर्माना बिल्कुल ही नहीं। चलो जाकर बेड पर आराम करो। और यहाँ पर पिंकी आकर अपने कमरे में बैठ गई है और पिंकी का कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, आप जाइए। मैं चाची के पास जा रही हूँ। चाची आपको अपना कमला कैसा लगा? आपको कुछ चाहिए क्या? मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या चाची? अरे शुक्रिया स्वीटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आओ तुम मेरे पास बैठ जाओ, हम दोनों बात करते हैं। हाँ ठीक है चाची, चलिए हम दोनों बात करते हैं, मैं बैठ जाती हूँ। अरे सिद्धार्थ तुम भी बहुत थक गए होगे, जाकर फ्रेश होकर जल्दी से आराम कर लो, तब तक मैं जाकर तुम्हारे और पिंकी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ सिद्धार्थ जाकर आराम कर लो, मैं अभी आती हूँ। चलो अब मैं कमरे में जाता हूँ, देखता हूँ पिंकी जी क्या कर रही है। अरे स्वीटी तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाकर खेलो, अपनी चाची को थोड़ा आराम करने दो, वो बहुत थक गई होंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी चाची इतना दूर से आई हैं, थक गई होंगी, उन्हें थोड़ा आराम करना होगा। हाँ चाचू आप सही कह रहे हो, मैं अभी जाती हूँ। चलिए चाची मैं जाती हूँ, बाद में आऊंगी आपसे मिलने, आप आराम कर लो। बाय चाची, मैं जाती हूँ। हाँ बाय स्वीटी, जल्दी आना। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।